दिखाया गया गाइस, ये 1972 में बनाया गया था, जब हमारी मतलब आजादी को 25 इयर्स हो गए थे, तो हमारी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। और आपको पता है किसने बनाया ये? हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है, बोल। जी हाँ गाइस, इसको बनाने वाले और कोई नहीं, देवी प्रसाद रोहित चौधरी। और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे गांधी जी के साथ एक विमेन है और एक ग्रुप है, तीन मेन का, जिसमें एक हिंदू है, एक सिख है, एक मुस्लिम है और एक टर्बन मैन है, और एक कमजोर आदमी है, क्रिश्चियन प्रीस्ट है, एक वुमेन है, और एक जो मतलब छोटा लड़का वो एक बूढ़े आदमी को इंसिस्ट कर रहा है ये ज्वाइन करने के लिए ग्रुप। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मतलब उस चीज को डिपिक्ट करता है कि जब 1930 में जो मतलब ब्रिटिश ने हमारे नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो ये उस चीज को डिपिक्ट करता है कि उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट किया था गांधी जी ने। बट फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये उस टाइम पे मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वुमेन इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये मतलब उसका डिपेक्ट नहीं करता, ये उस चीज को डिपेक्ट करता है कि कैसे इंडियंस ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने आप को सैक्रिफाइस किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। तो बाकी गाइस आप बताओ आपके हिसाब से क्या है। मैं गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, और बाकी मैं इसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स डाल दूंगा, और आप गाइस यहाँ पे आके विजिट जरूर करिए, क्योंकि कोई भी बंदा जो भी मतलब दिल्ली घूमने आता है उसके लिए ये मतलब प्लेसेस टू विजिट तो होता जरूर है। और बाकी गाइस ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, मुझे और कमेंट करके बताना कि कहाँ जाना चाहिए। और बाकी अपनी हालत देख लो, पसीना कितना होगा, गर्मी है, फिर क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। बाकी मुझे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है। Thank you.